हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्तुति और आज बहुत सारे दिनों बाद मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो है पनीर लबाबदार, जो कि बहुत ही कम और घर में रहने वाले इंग्रेडिएंट से मिलकर के बन जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की ओर और आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी यमी और इंटरेस्टिंग रेसिपी है। यहाँ पे मैंने पनीर लिया है, ये 200 ग्राम पनीर है, इसको मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है और ये 50 ग्राम पनीर के आसपास इसको मैंने महीन ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। ऐसे एकदम महीन महीन इसको ग्रेट करना है क्योंकि ये हमारी ग्रेवी में जाती है। मैंने मसालों में लिया है खड़ा धनिया, काली मिर्च, 2 तेज पत्ते, जीरा 1 चम्मच, 4 से 5 लौंग और ये छोटी इलायची। और ग्रेवी में डालने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है काजू, ये अराउंड 20-25 काजू होंगे जिनको मैंने बीच से ऐसे तोड़ लिया है। और रंग के लिए लिया है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, इसको मैंने पानी में भिगो के रखा है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर मैं इसको सब्जी में डालूंगी। यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज को ऐसे पतले पतले स्लाइस में काट लिया है और ये अदरक है, 2 इंच अदरक होगी और 1 हरी मिर्च, ये 9 से 10 लहसुन की कलियां। और दोबारा तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ अदरक को ऐसे जूलियंस में काट लिया है महीन महीन। और ये रहा टमाटर, ये मैंने 5 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, उनको मैंने अच्छे से छोटा छोटा चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा तेल ले लिया है 1.5 चम्मच के आसपास। अब इसमें मैं अपने जितने भी सूखे मसाले हैं उनको डालूंगी, हमें काजू नहीं डालना है, बाकी हमें सारे मसाले इसमें डाल देने हैं। अब हमें इसमें सबसे पहले हरी मिर्च और प्याज ऐड करना है और प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज्यादा भूनना नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे भूनने के बाद इसको पीसना है। अभी प्याज हल्का हल्का ट्रांसल्यूसेंट सा हो गया है तो इस पॉइंट में हमें डालना है ये कटा हुआ अदरक और लहसुन। अभी देखिए प्याज हल्का हल्का ब्राउन हो गया है तो इस टाइम पे हम ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। और यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी जो मैंने भिगो करके रखी हुई थी। अभी टमाटर अच्छे से गल गए हैं तो अब इस स्टेज में हम डालेंगे काजू। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच नारियल का बुरादा या डेसिकेटेड कोकोनट, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं बट इसको अगर हम डालते हैं तो हमारी ग्रेवी काफी ज्यादा रिच बनती है। अभी ये अच्छे से टमाटर गल गया है तो अब हम थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी, मैं आधा कटोरी पानी डाल रही हूँ और साथ ही साथ ऐड करेंगे नमक और हल्दी। तो नमक आप अपने स्वास्थ्य और सेहत अनुसार डालिएगा और हल्दी 1 चम्मच के आसपास पड़ेगी। और थोड़ा सा गरम मसाला, अब फ्लेम को थोड़ा हाई कर लेंगे क्योंकि हमने इसमें पानी डाला है और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी हमारी ग्रेवी पीसने के लिए एकदम तैयार है तो अभी इसको हम जार में शिफ्ट करते हैं और इसको ग्राइंड करते हैं। यहाँ पे मैंने दोबारा से कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी और बटर लिया है, उस पर मैंने डाला जो मैंने अदरक के जूलियंस काट के रखे थे वो, और 1 मिर्च को बीच से स्लिट करके डाल दिया है
और इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ग्रेवी। ग्रेवी ऐड कर दी है, अब साथ ही साथ हम ऐड करेंगे धीरे धीरे करके इसमें पानी। हमारी ग्रेवी एकदम तैयार है, मार्केट स्टाइल पनीर लबाबदार। तो अभी हमें ऐड करना है इसमें ग्रेट किया हुआ पनीर और उसको मिक्स करना है, उसके बाद हम अपनी क्यूब में काटे हुए पनीर ऐड करेंगे। तो बस हमारी पनीर लबाबदार एकदम तैयार है। इसको आप नान, रोटी, लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी, किसी भी रोटी के साथ ट्राई कर सकते हैं। और अगर इसे हम हल्की क्रीमी ग्रेवी बनाते हैं या हल्की पतली ग्रेवी बनाते हैं तो इसको हम चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। चावल के साथ भी उतनी बुरी नहीं लगती है, बट रोटी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ऊपर से हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच फिटा हुआ दही या क्रीम या मलाई, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो आज मैं इसको खाने जा रही हूँ बटर नान के साथ। तो अगर आपने मेरी बटर नान की रेसिपी नहीं देखी हो तो प्लीज अभी मेरे चैनल में जाइए और वो भी देखिए, और साथ में बनाइए बटर नान और पनीर लबाबदार, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको इन दोनों का टेस्ट कैसा लगा। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।